नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में और एनालिसिस करेंगे कि कहां पे हमें इसमें खरीदारी, स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के हमारे पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस के इस वीडियो में। सो देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला जो स्टॉक हम लेके आ रहे हैं वो है अडानी ट्रांसमिशन। बेस्ट स्टॉक है, सर्किट इसमें फिलहाल 5% की है और एक स्ट्रांगली क्लोज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सो देखिएगा, ये स्टॉक के बारे में अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो दोस्तों इसमें एक अच्छी रैली मिलेगी। और बात करते हैं इसमें एंट्री की, तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट एंट्री की बात की जाए तो ये जो इसका हाई है, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट जिसको मैं ग्रीन कलर से और यहां पे इसका बढ़ा देता हूं, ये पॉइंट 1183 रुपए, मतलब 1184 कर लेती है इसको, ज्यादा बेटर होगा हमारे हिसाब से 1184 रुपए। ठीक है, ये प्राइस के ऊपर ही इसमें लॉन्ग करने की सलाह होगी, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसमें बात की जाए स्टॉप लॉस की, सो एसएल का जो मुझे समझ आ रहा है, राइट, अगर प्राइस, ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिएगा, अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता दिखेगा, राइट, तो आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट होगा वो होगा 1140 का, 1140 का जो है हमारा एक स्टॉप लॉस पॉइंट यहां पे हमें मिलेगा, जो 1140 के पास रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1140 ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि प्रीवियस डेज का रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, राइट, एकाध रुपए फर्क आ रहा है लेकिन प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, तो एकाध रुपए ऊपर नीचे करेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नीचे कीजिएगा, ऊपर मत कीजिएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे बात की जाए अगर टारगेट की, इसमें आप पहले रिस्क को थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपका जो रिस्क है अप्रोक्स 3% का है, 350 भी नहीं है, 3.5% भी नहीं है। अब इसमें टारगेट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें मुझे दिख रहा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ध्यान रखिएगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको 1300 तक का रेंज आराम से दिखाना चाहिए, 1300 तक का रेंज एक बहुत स्मूथली तरीके से यहां पे हमको देखने को मिल सकेगा। मैं जो भी आपको अभी फिलहाल में अडानी ट्रांसमिशन बता रहा हूं दोस्तों, ऑलरेडी पोजिशन मेरा बिल्डअप हो चुका है इसमें, राइट, ऑलरेडी पोजिशन बिल्डअप हो चुका है मेरा इसमें, राइट। सो आप इसमें 1300 तक के टारगेट के लिए डेफिनेटली यहाँ पे रुक सकते हैं, मेरी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से और ये पॉइंट तक का जो एंट्री 120 रुपए का है, और आप देख लीजिए 10% अप्रोक्स 10% का टारगेट है इसमें, राइट। तो इस 10% के टारगेट के लिए देखिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे टारगेट का, जैसे आपने इंट्राडे ट्रेडिंग देखा होगा, मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 1:4 मिनिमम क्राइटेरिया है हमारा आरआर रेशियो का, जैसे अचीव होता है फिर वो ऊपर जाए जाए 1:4 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी हमें 1300 का टारगेट है, आप चाहो तो 2 इक्वल पार्ट्स भी इसको डिवाइड कर सकते हो, 5% 5%, फिलहाल इसकी सर्किट 5% की ही है, राइट। ये विथ इन अ वीक का हमारा क्राइटेरिया है दोस्तों, एक सप्ताह का व्यू है हमारा, अब हो सकता है ये 2 दिन में कवर कर दे, हो सकता है कल भी कवर कर दे, कुछ भी हो सकता है इसमें, राइट। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक सप्ताह के अंदर लगभग लगभग इसको इस रेट तक जो है हमारा जो 10% का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। सो पहला स्टॉक है हमारे पास अडानी ट्रांसमिशन, ठीक है। दूसरा आते हैं दोस्तों, दूसरा जो स्टॉक है हमारे पास वो है ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट में क्या करना चाहिए, सो देखिए ग्रेफाइट में खरीदारी की बात की जाए दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना है इसमें दो रेंज है, एक तो हाईज आप देख रहे हैं, राइट, 773,
अदरवाइज आप इसमें 768 के ऊपर, 768 के ऊपर लॉन्ग करने की डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। पार्शियल एंट्री कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं आप पे, आप इसमें पार्शियली एंट्री कर सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी हाइस को ब्रेक करने के बाद कीजिए दिस वन राइट 773 को। सो 768 के ऊपर ही खरीदारी करनी, इसके नीचे नहीं करनी है। और हाइस ब्रेक करे तो पार्शियली अगर एंट्री किया है तो आप वहां पे उसके बाद जो है क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे जो हमारा स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो आ रहा है कुछ वेट 746 के आसपास, 746 के आसपास जो है हमारा स्टॉप लॉस इसमें नजर आ रहा है, जो कि ये पॉइंट है 746। ओके, ध्यान रखिएगा प्राइस की इसको ऊपर ही टिकना चाहिए, ऐसा नहीं कि गया राइट। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, बिना आपको लिए ये जाएगा ही नहीं। ओके, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, प्राइस वहां सस्टेन होता हुआ दिखे, एक कैंडल दो कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कर सकते हैं राइट, सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो हमारा जो है इसमें अगर रिस्क की बात की जाए फ्रेंड्स, सो देखिएगा इसमें जो रिस्क आ रहा है अप्रोक्स 3% 21 रुपीज का आ रहा है। ओके, टारगेट की बात की जाए तो यहां से भी हमको 10% तक का टारगेट चाहिए। आप हाई से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर यहां से भी, तो मैं हाई से कर लेता हूं ठीक है। आपको मेनली जो है सेफ, अगर पूरी सेफ एंट्री करनी है तो हाइस को ब्रेक होने दीजिए। देखिएगा 10% तक का टारगेट चाहिए, सो यहां पे जो हमारा 10% कंप्लीट होता है वो कौन से पॉइंट पे होगा देखते हैं है? देखिएगा 10% ये 850 राइट। सो हमारा जो टारगेट होगा वो 850 का ही होगा, इससे कम हम लेते नहीं है राइट। मार्केट को जो करना है वो करेगा, वो रुकने वाला नहीं है मार्केट, ध्यान रखिएगा 850 का हमारा टारगेट होगा। और अगर 850 मिलता है दोस्तों तो देखिएगा इस हाई से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो चूंकि 3% था हमारा रिस्क अप्रोक्स, यहाँ पे 9% 1:3 का रेशियो यहाँ पे आराम से 1:4 का निकल जाएगा, 1:3 का है ना 3 and something। तो यहाँ पे ग्रेफाइट में कहाँ पे एंट्री करना है वो मैंने बता दिया, एसएल कहाँ पे रखना है वो बता दिया, टारगेट कहाँ रखना है वो बता दिया। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है 1 day से लेके 1 week का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और इतने में इसको टारगेट देना चाहिए। ध्यान रखिएगा लालच का पुड़िया मत बांधिएगा, आपको 5% 6% मिल रहा है, आपको लगता है डर लग रहा है निकलना है तो डेफिनेटली आप क्विट कर लीजिएगा, कोई वो नहीं है ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स थेमिस मेडिकेयर में फ्रेंड्स बहुत शानदार मोमेंटम मिलने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेडिकल फिट फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है। ओके, सो इसमें जो हमारा व्यू है कि ये जो इसका हाई है, हाई पॉइंट जो कि 460 के आसपास है, अप्रोक्स 460 है ना, 461 है, बट आप इसमें 461 के ऊपर ही ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 461 के ऊपर खरीदारी करने की राय होगी एंड स्टॉप लॉस की बात की जाए तो पहले मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा, क्या प्राइस यहां तक आया नहीं है क्योंकि ये सिग्नल तो वैसे ही दे रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे जो आप अपना एसएल प्लॉट करेंगे अप्रोक्स 415 का करेंगे, 415 का ठीक है, 415 का आपको एसएल यहाँ पे प्लॉट करना होगा 415 का। देखिएगा रिस्क की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रिस्क बढ़ता हुआ राइट, ये पॉइंट देखिएगा अप्रोक्स 10% का रिस्क हो जा रहा है यहाँ पे है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे आप अपने स्टॉक को राइट, इस स्टॉक को जो है आप अवॉइड भी कर सकते हैं राइट, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वे में जो एसएल आएगा वो ये पॉइंट पे, अगर आप यहाँ पे भी लाते हैं 430 तो देखिएगा 430 के आसपास भी कुछ ज्यादा ही आएगा अप्रोक्स है ना, 6% हो रहा है जो ज्यादा है, रिस्क ज्यादा हो रहा है राइट। सो 400 रुपए का स्टॉक है, इतना तो हो गए। सो देखिएगा मिनिमम जो क्राइटेरिया यहाँ पे 1:1 का कंप्लीट करना है हमें और 10% का हमें चाहिए टारगेट अप्रोक्स। देखिए मोमेंटम बहुत तगड़ा है फ्रेंड, मोमेंटम इसमें बहुत तगड़ा है, दिन भर में ये 20% की सर्किट है इसमें राइट। सो 10% अगर हमको चाहिए यहां से तो देखिएगा 10% हमारा अप्रोक्स
ये आपका 500, 5506 के पास जो है कंप्लीट होता हुआ, राइट। तो यहां से आपको 10% मिनिमम तो मिल ही जाना चाहिए, 10%। हो सकता है खुलने के साथ ही भाग ले, कोई भरोसा नहीं इसका, राइट। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 506 का पहला हमारा लेवल होगा, एंड उसके बाद जो होगा हमारा इस वाले इसमें, राइट, 580 का, है ना, 580 का लेवल होगा दूसरा, जो कि पहले से कैलकुलेशन बेस पे भी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये दो टारगेट है इसमें, 506 पहला, 580 दूसरा, राइट। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको पहला मिल जाए और इसके ऊपर चल रहा है तो SL को उठा के इस पहले पे प्लॉट करना होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रेलिंग करना ही करना है आपको, जो आया वो गंवाना नहीं है, ओके। इसमें थेमिस मेडिकेयर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, इसमें मेरा अभी कोई पोजीशन नहीं है, कल देखना है कि कल इसमें पोजीशंस क्या मिलता है। अगर SL बहुत बड़ा आएगा डेफिनेटली मैं इसको अवॉइड करूंगा, ठीक है, लेकिन मोमेंटम के साथ तगड़े दिख रहे हैं इसमें। तीसरा है दोस्तों, चौथा है, माफ कीजिएगा, फोर्थ जो स्टॉक है हमारे पास वो है विप्रो, ठीक है। इस विप्रो में क्या करना है, देखिएगा विप्रो को क्या करना है, ये जो आपको हाइस दिख रहा है ना, हाइस जो है 560-50 है ना, 55 है, तो यहाँ पे इसको 70 कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा, 17 कर लीजिए, ओके, एंड ठीक है। तो 517 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है। बात करें दोस्तों SL की, सो देखिएगा इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 506 कुछ इस पॉइंट पे, 505 के आसपास, ओके, 505 के आसपास आपका SL आएगा, क्योंकि पोजिशनल हमारा व्यू है तो यहां पे हमारा SL यही आएगा, ओके, 505 का। 517 के ऊपर लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, 505 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंड टारगेट जो दोस्तों इसमें है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, है ना, देखिएगा इसमें जो टारगेट है हमारा वो होगा 560 के आसपास, 560 के लेवल का, ठीक है। तो 560 का लेवल है तो फर्स्ट टारगेट 560, ठीक है, 550-560, लेकिन मेरे कैलकुलेशन में 560 आ रहा है, ठीक है, ये कैलकुलेशन बेसिस पे इस टारगेट को डिसाइड किया गया, 560 का लेवल है और 560 हमारा टारगेट होगा। हाँ, 50 से ऊपर चलेगा डेफिनेटली हम 50 पे ट्रेल कर लेंगे। रिस्क की बात की जाए तो यहां से अगर मैं रिस्क का करूं कंपेरिजन तो देखिएगा 2-2.5% भी नहीं है, 11.90 रुपए का है, और अगर ये टारगेट मिलता है तो 1:4 का होगा, 43 points का अचीवमेंट होगा, देखिएगा इसमें तेजी है, इस स्टॉक में विप्रो में तेजी है फ्रेंड्स, ओके। सो 517 के ऊपर लॉन्ग करने की सलाह होगी, 505 की नीचे जो है 505 के एरिए पे SL का, एंड टारगेट जो होगा 550-560 का होगा। लास्ट जो स्टॉक है फ्रेंड्स वो है अनुरास, राइट। अब इस अनुरास में देखिएगा, अनुरास में फ्रेंड्स हमारा पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिशन और अनुरास दोनों में पोजीशन बना हुआ है, और हमारा जो मेनली फोकस है अभी वो ग्रेफाइट एंड विप्रो में है, ठीक है। ये थेमिस मेडिकेयर जो है इसमें अगर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड मेन उसमें आता है तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे, राइट। लेकिन इसमें है फ्रेंड्स ये आपको बहुत ज्यादा मोटा मुनाफा दे सकता है, थेमिस मेडिकेयर में इतनी क्षमता है, 10% बहुत स्ट्रांगली तरीके से मेरे हिसाब से दे जाना चाहिए, जो मेरी एनालिसिस कहती है, ओके। सो थेमिस केयर पे भी नजर होगा, हो सकता है अग्रेसिवली ट्रेड किया जाए, राइट, दिन भर के लिए, तो देखते हैं क्या होता है कल का। और यहाँ पे बात करते हैं हम अभी अनुपम जो रसायन इंडिया लिमिटेड है अनुराज, उसके बारे में। सो देखिएगा इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 724 का, राइट, 724, ठीक है, आप हाईस के ऊपर लीजिए, 726 के ऊपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेफ वही होगा, 726 के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए ठीक है ना। तो 726-724 चलिए मैं हाईज ही ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एंड SL की बात की जाए तो जो इसमें SL होगा फ्रेंड जो सेफ तरीके से, राइट, वो होगा हमारा 692 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 692 रुपए ये, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें रिस्क की, सो देखिएगा
रिस्क कितने परसेंट का है? अप्रॉक्स 4.6 है, अप्रॉक्स 4.6 है, इट मींस 5% ले लीजिए, है ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें टारगेट की। सो टारगेट हमारा क्या होगा इसमें? मिनिमम क्राइटेरिया 10%, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिस पे है यहाँ पे भी, तो 10% हमको चाहिए ही चाहिए। ओके, और इसमें मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जो कि मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि आपको आराम से 800 के ऊपर जो है ना, ये 1000 रुपए का रेंज भी दिखाने को तैयार है। पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, अनुराज की। 800 के लेवल को ब्रेक करने के साथ ही आपको 1000 रुपए का रेंज दिखाने की क्षमता रहेगा, अभी तो है ही इसमें स्ट्रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे आप 10% अप्रोक्स देखिए, 800 का लेवल ही आ रहा है, तो 800 का लेवल यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे अप्रोक्स, है ना, दिस वन। इसको ब्लैक कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिएगा आपका रिस्क था 5% एंड टारगेट मिलेगा तो, है ना, मिल गया 10%, 1:2 हो गया, है ना। लेकिन ये मेरा जैसा मानना है कि 800 के ऊपर जाने के साथ ही 1000 रुपए का रेंज के लिए अपना काम करेगा, ठीक है, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ये व्यू हमारा जो है ये वीकली, वन डे से लेके वीकली बेसिस पे है। आपको 5%, 6%, 7% से ऊपर मिलता जाए, आपको निकलना है, निकलते चलिए, लालच में स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए बिना कोई रिक चिक 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 के, क्लियर। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 5 स्टॉक, अडानी ट्रांसमिशन, ग्रेफाइट, थेमिस मेडिकेयर, विप्रो और अनुराज। ध्यान रखिएगा थेमिस केयर में थोड़ा सा एसएल यूज आ रहा है, सो वहां पे क्या है कि क्वांटिटी हमें रिड्यूस करनी होगी अपने उसके अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग, है ना। बाकी ठीक है, बाकी कोई नहीं, कल का देखते हैं कल का क्या है। अगर वैसा होगा तो नियर बाई सपोर्ट एरिया को हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऊपर जो है टिका रहा, तो जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट को, कितने लोग को समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ पे सस्टेन होता हुआ नजर आता है यहाँ पे, राइट, इस लेवल से, तो आप जो है यहाँ से करके फिर आप इस पॉइंट पे रख सकते हैं स्टॉप लॉस को, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ से जो भी मिले आप लेके वहां से निकलते चलिए, ठीक है। सो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, राइट। टॉप 5 स्टॉक एनालिसिस जो मेरे अकॉर्डिंग पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस है, राइट, मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है सेशन उसके बारे में है, और वीडियो आपको पसंद आएगा, होप सो ऐसा मैं आशा करता हूँ। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, राइट, और कमेंट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके लाइक और कमेंट से जो है मेरा मनोबल बढ़ता है। अभी कुछ दिन तो मैं फीवर से की जूझा, उसके बाद से हमारी फैमिली में लगातार 3 डेथ हो चुका है कंटिन्यूसली कोविड से, फैमिली इन द सेंस हमारे खानदान से, राइट, मतलब बड़े पापा चाचा के लड़के वगैरह का, राइट। तो ये थोड़ा सा अभी वैसा सिचुएशन चल रहा है कि मैं वीडियो भी नहीं दे रहा हूँ, मन ही नहीं करता कुछ करने का, ओके, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो दे दिया जाए आपको, ओके। सो वीडियो पसंद है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।